तो मेरी नहीं हुई तो सबको काट डालूंगा मैं कुल्हाड़ी से। बस यही थी मेरी प्रेम कहानी। हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आप सब कैसे आए हो? बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और गाइस, आज देखिए मैं कहाँ चल रही हूँ गाइस, मतलब जंगल जा रहे हैं गाइस हम लकड़ियाँ लेने के लिए। मैं अकेली नहीं जा रही, और भी लोग जा रहे हैं। देख सकते हो इधर कितना बड़ा, मतलब नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं गाइस। बहुत दूर है जंगल और सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, उनके पास पहुँचते हैं और फिर उनका फेस दिखाती हूँ। फेस का रिव्यू करने वाले हैं गाइस अपन लोग। क्या गाइस, आज आप सबको मैं दिखाने वाली हूँ हमारे इधर के जंगल की खूबसूरती। आई मीन गाइस, हमारा इधर का जंगल, ठीक है। चलिए, सो भैया अपन जंगल में एंट्री हो चुके हैं, मतलब एंट्री मार चुके हैं। और ये देखिए, इसको मैंने पीछे कर लिया है, बट हमको जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है। चलिए गाइस, अभी हमारे जंगल में हम एंट्री मार चुके हैं, देख सकते हो। तो हम अभी चढ़ान चढ़ रहे हैं, मतलब जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं और अंदर जाना गाइस। और देखिए पीछे जंगल, और देखिए इतना बड़ा घाट चढ़ के ऊपर आए हैं। आज तो अपना कंज्यूमर कचुम्बर बनने वाला है। हथियार देखिए, वो कौन सा है ना, एक डायलॉग है गाइस, कहाँ जाओ तुम मेरी हुई नहीं का। नहीं गाइस, ऐसा है कुछ, काजल अगर तुम मेरी नहीं हुई तो सबको काट डालूंगा मैं ऐसे कुल्हाड़ी से। सो गाइस, काजल को भी मुझे नहीं पता है। वो तो मैंने यहीं से याद कर लिया था। अभी तो चलते हैं, देखते हैं अपने जंगल में की हो रहा। भाई साहब देख सकते हैं, हम अकेले नहीं आए हुए हैं, ये सब आए हुए हैं तीन चार लोग। और गाइस, अरे गाइस, मतलब मेरा कहने का मतलब दो चार जन आए हैं। मैंने सोचा गाइस, आप लोगों को घर पे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। सो आज बारिश खुली हुई थी, मौसम अभी भी ख़राब है, बट तो बारिश खुली हुई थी, तो मैंने सोची चलते हैं कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं और लकड़ी भी लेकर आ जाएंगे और आप लोगों को जंगल भी दिखा देंगे। हाँ, बस यही थी मेरी प्रेम कहानी। अब चलते हैं अंदर, पता जाएंगे गाइस किधर किधर, एक इधर जा रहा है और ये किधर जा रहा है, और मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे जाऊँ या इसके, बट मैं इसी के पीछे जाऊँगा गाइस। हाँ, सो गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा जंगल का सीन आप लोगों को कैसा लगा। आई होप पसंद आया होगा बिल्कुल ही। यह देखिए, यह लकड़ी कर रहा है और मैं टाइम पास कर रहा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, लकड़ी काट रहा है। तो गाइस चलिए अपन में लकड़ी काट लेते हैं जल्दी से। ये गीली लकड़ी नहीं काट रहे गाइस, आप लोग हमको क्या बोलते हैं वो मत समझना, हम बहुत मासूम लोग हैं। अच्छा, और बहुत ही शरीफ लोग हैं हम, ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को नहीं काटते हैं। हम सूखी लकड़ियाँ करेंगे और लेके जाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल लकड़ियाँ काटते हैं, फसलबाजी ना करते हुए। तो चल, सो गाइस मेरे को लकड़ी नहीं मिल रही है, देख सकते हो किधर गाइस लकड़ी। अरे रे, जियो मैं तो बाची जियो का। अरे गाइस, एक ये लकड़ी करता हुआ है, अपन वीडियो बना रहे, चलो लकड़ी करते हैं। A few moments later. So guys, अभी हो रही रिमझिम रिमझिम बारिश, और अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हो रही थी। और आप लोगों को पता है गाइस, आप लोगों को पता है, आप लोगों को कैसे पता रहेगा मैं किस लिए हूँ, मैं बता देती हूँ। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे छोड़ के सब भाग चुके हैं, पता नहीं क्यों। और गाइस, सबकी लकड़ियाँ हो चुकी है, बस ओनली मी हूँ, मतलब मैं हूँ गाइस, मेरी नहीं हुई, मुझे लकड़ी ही नहीं मिल रही गाइस, इसमें मेरी क्या गलती है ना। तो चलिए फिलहाल चलते हैं उनके तरफ। और गाइस, अभी ना बारिश हो रही है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही, ठीक है, आप ये मत समझना कि कुछ नहीं गाइस।
सो गाइस जंगल में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे ही लकड़ियां नहीं मिल जाती। 2000 years later फाइनली गाइस हमने लकड़ियां जोड़ के बांध ली है। अभी वीडियो नहीं बनाई थी गाइस क्योंकि गाइस बारिश हो रही थी। अब देख सकते हो आसमान में मतलब सूरज देवता निकल चुके हैं और ये बांध रही अभी लकड़ी का गट्ठा और साहब बैठे हुए हैं इधर। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। ये क्या खा रहे दिखाता हूँ आपको। क्या खा रहे, क्या खा रहे देखिए। ये खाया जाता जंगल में आके। क्या कर रही रे? कुछ नहीं, तेरी टांग कस रही हूँ। ये बहुत भाव खाती गाइस अपन से, टेढ़े मुंह बात करती है एकदम। अपने गट्ठा इधर नहीं है, उधर है। उधर भाभी बांध रही है और अपन इधर टाइम पास कर रहे हैं। जितने बड़े इंसान हैं उतने बड़ी लकड़ी की गट्ठा बनाई गई, देख सकते हो। अगर वो मतलब एक के बाद एक के तीन खड़ी होगी ना गाइस, जब इतनी बड़ी हो पाएगी जितना बड़ा उसका गट्ठा है लकड़ी का। तो चलिए मेरा गट्ठा दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए बहन जी इनको लेने आई गाइस, शायद ये अपनी हेल्प कर दे इसलिए। चलो जी गाइस, एक बार मैंने मिला मिस को कौन है कह दी थी तो वो अभी तक वो बदला निकाल रही गाइस कौन है तू कर। सो सैड गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के पिता। सब अपने गट्ठे के साथ पोस्टमार्टम करते हुए देख सकते हो और धूप एकदम आंखों में आते हुए। जंगल की सारी पत्तियां जा चुकी हैं क्योंकि गर्मी आ चुकी है। अब न्यू पत्तियां आएंगी इसीलिए जंगल इतना हरा भरा हमने दिख रहा और ऐसा लग भी नहीं रहा, खतरनाक जंगल भी नहीं लग रहा देख सकते हो। नहीं तो मतलब जब हरी भरी पत्तियां रहती तो इधर से निकलने का मन नहीं करता गाइस। हम सब निकलने वाले हैं जंगल से क्योंकि सबका गट्ठा बन चुका है, रेडी हो चुके हैं और चलते हैं गाइस। और क्या सो गाइस, ये अपने भारत की महिला इतने बड़े बड़े गट्ठे लेके जाती है। हाँ गाइस, उनको गट्ठा उठाना देखिए, भले ही मैं जैसा भी हूँ बट मेरी हेल्प लेते ही है गाइस। सो गाइस देख सकते हो इतना बड़ा गट्ठा मेरे सिर को मतलब सिर में बैठा हुआ है और अपन चल रहे हैं। सारे लोग देख सकते जा चुके हैं भाई, अपन आराम आराम से जा रहे हैं। आप लोगों का साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है गाइस, बट आप लोग मेरी वजन तो कम नहीं कर सकते ना, इसलिए अपन को जल्दी जल्दी चलना है गाइस। बहुत वजन है तकड़ी का गट्ठा। 100 सालों के बाद तो गाइस मेरा सिर एकदम सीधा हो चुका है। इधर को जा रहा ना, इधर को जा रहा गाइस। यहाँ भी दर्द कर रहा है, यहाँ भी दर्द कर रहा है, इधर साइड भी और पैर भी और कमर भी और रीढ़ की हड्डी तो सबसे ज्यादा दर्द कर रही है। इसको दवा की जरूरत है, दवा की या दुआ की दोनों की जरूरत है गाइस। मर गया मैं तो, अब आधा दूर आधा ही आए गाइस, अभी तो आधा दूर आए हैं और आधा दूर रह गए अभी। मतलब दो जगह हो चुके हैं हम आराम करने के लिए, फिर भी हमारी हालत एकदम बद से बदतर होती जा रही है। अब थोड़ा थोड़ा हिल रहा है देखिए असर, आप लोगों ने जरूर दुआ किए होंगे। सो गाइस अभी थोड़ा बेटर लग रहा है बट गट्ठा रखते ही हमारा ऐसी की तैसी हो जाती है, क्या ही बोल रहे हैं। फिलहाल गाइस मैं ये कह रही थी कि मैं ये कह रही थी गाइस कि हमको ना बहुत ज्यादा पानी प्यास लगा है और तब से गए थे तब से आ मतलब जब से गए थे कितने बजे गए थे अपन, कितने बजे गए थे रे, 2:30 बजे गए थे गाइस और अभी 5:30 बजने जा रहे हैं और हमें इतनी ज्यादा प्यास लगी है क्योंकि उधर ना कहीं पे भी वो नहीं मिलता वाटर गाइस, इसलिए। आप लोग क्यों बता रहे हैं गाइस, थोड़ा आराम कर लेती हूँ ठीक है, घर पे जाके मिलते हैं आप डायरेक्ट। बाय 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 कर लो जस्ट। आई होप आप सबको ब्लॉग वीडियो पसंद आया, और नई भी आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय जवाहर गाइस, क्योंकि मेरा सिर हिल नहीं रहा।